तो यही वीडियो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आप भी ऐसी वीडियो बना के अपने रील्स में अपलोड कर दो ना, तो आपकी वीडियो में ढेर सारे लाइक्स और व्यूज आने वाले होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में आपको रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग वीडियोस मिलती है और मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आगे मोबाइल की स्क्रीन में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वी एंड वीडियो एडिटर। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप वहां जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ नीचे आपको एक प्लस का आइकन बना हुआ दिखता है, इसमें आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देंगे फिर यहाँ आपको बना हुआ दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, इसमें आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देंगे यहाँ से आपको वीडियोज वाले ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ से आपको एक वीडियो सेलेक्ट कर लेगा जिसमें स्टार्टिंग में आता है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको जहाँ से डाउनलोड करना हो ये वाली वीडियो, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वाली वीडियो यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको नीचे एक ब्लू कलर का टिक वाला ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक कर देते ना तो जो आपने वीडियो सेलेक्ट किया है वो इस एप्लीकेशन में ओपन हो जाती है। यहाँ ऊपर आपको लिखा मिलता है ओरिजिनल, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो 9:9 हो रहा है जो अपना रील्स का फुल स्क्रीन का साइज है ना, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो इस वीडियो का वॉल्यूम ना उसको भी अपन पूरा मद्दा कर लेंगे, क्योंकि अपन साउंड अपन अलग से लगाएंगे, ठीक है। तो अपन इसकी पूरी वॉल्यूम 0 कर लेते हैं और टिक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको आगे आना है तो देखेंगे ब्लैक कलर का ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, तो उसको वहाँ से क्लिक करके यहाँ से लीड कर लेंगे। लीड कर दिए, अब अपना जो इसमें 1 2 3 4 अपन को बस चाहिए, बाकी जो किसी और की वीडियो वो अपन को काट देना है, ठीक है। तो अपन को देखना है कि कहाँ से 4 तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से फोटो आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से काट देना है, ये देखिए ये यहाँ से काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिखता है कैची वाला आइकन, ठीक है। तो उसमें क्लिक कर देना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा ना उसको यहाँ से क्लिक करके ऐसे सिंपली डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए, डिलीट के बाद अब क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करके वीडियोज और फोटोज वाले जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास वीडियो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास कोई अच्छी फोटो आपकी बाइक के साथ हो या फिर किसी के साथ भी हो तो आप उसको भी यहाँ लगा सकते हो। तो मैं अपनी एक वीडियो यहाँ से जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली फिर से ब्लू वाला आइकन में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो लगी ना इस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को यहाँ से जो अपना मेन पार्ट अपन को चाहिए उसी को बस रखेंगे, ठीक है। मेरे को जैसे ये वाला पार्ट चाहिए तो यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा मैं, और ये पार्ट नहीं चाहिए तो उसको यहाँ से काट दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको चाहिए पार्ट वही पार्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। आप अपना मेन काम है इसमें साउंड लगाना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाली जो आप वीडियो सेलेक्ट किए ना इसका भी आप साउंड एकदम 0 कर देंगे, तो वॉल्यूम क्लिक करके इसका भी साउंड एकदम 0 कर देंगे, ठीक है। अब अपना मेन काम है इसमें म्यूज़िक लगाना, तो आपको म्यूज़िक वाले आइकन में आ जाना है, फिर म्यूज़िक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको ऊपर एक प्लस का आइकन बना हुआ दिखता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तीसरे नंबर में आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, मतलब कि आप जिस वीडियो को सेलेक्ट कर लोगे उसका साउंड आ जाएगा, वीडियो नहीं आएगी, तो उसमें आपको क्लिक कर लेना है। स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो डाउनलोड करी थी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से, उस वीडियो को यहाँ से वापस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों एक वीडियो से ही आपका 2 काम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ धूम साउंड डाल देता हूँ, ठीक है। धूम साउंड डाल दूंगा और ओके में क्लिक कर दूंगा। जो ना मैंने अब भी लिखा है वो यहाँ ऊपर से हो रहा है, तो आपको चूज पे क्लिक कर देना है और सिंपली ऐसे टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि अपने साउंड के अकॉर्डिंग वीडियो कितनी है। जैसे कि आप देखेंगे वीडियो अपनी हल्की सी ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं हल्की सी ज़्यादा की, तो उसके यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए, अब अपना मेन काम है इसमें एफएस लगाना, अपनी जो वीडियो रहेगी वो झटके से आए। तो अपन को क्या करना है, इस वाली वीडियो में आ जाना अपनी, यहाँ से आपको एफएस में क्लिक करना है। ढेर सारा आपको एफएक्स मिल जाती है, देखिए फ्लैश वाला मिल जाएगा, जूम इन वाला मिल जाएगा, ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। मेरी मानी तो यार ये जूम आउट अच्छा लगता है, थोड़ा जूम करके आता है, ठीक है। ये लगा देंगे और जो बीचों बीच में प्लस वाला आइकन मिलता है ना उसमें भी क्लिक करके आपको ये जो जूम वाला एक फिल्टर रहेगा इसको भी लगा देंगे, तो जो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए आपकी देखेंगे वीडियो एकदम बन के तैयार हो गई, कि एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए इस तरीके आपकी वीडियो बन जाएगी। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 1, 2, 3 और 4 वाला पार्ट लगा देना है, उसके बाद में आपको स्प्लिट करके अपनी एक अच्छी सी वीडियो लगा देना है, उसमें एफेक्ट्स लगा देंगे, म्यूजिक लगा देंगे, बस आपकी वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ऊपर आपको लिखा मिलता है एक्सपोर्ट, उसमें आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वीडियो है यहाँ से एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। जैसे आपकी वीडियो से एक्सपोर्ट हो जाती है, नीचे आपको लिखा हुआ मिलता है सेव टू एल्बम, उसमें आपको क्लिक कर देना है तो जो आपकी वीडियो है वो आपके एल्बम में या फिर आपके गैलरी से होने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो देख सकते हो मैं कितनी सुबह बना रहा हूँ, अभी 6 बजे बजा है और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, इसलिए भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।